गोरखनाथ मंदिर में खिचड़ी मेले में आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए नगर आयुक्त अविनाश सिंह के द्वारा मंदिर से 2 खिचड़ी मेला स्पेशल बस को हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ किया गया, जिसके संबंध में नगर आयुक्त अविनाश सिंह ने बताया कि गोरखपुर का सबसे महत्वपूर्ण पर्व मकर संक्रांति खिचड़ी मेले का है। गोरखनाथ मंदिर में दूर दराज देश विदेश से श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं, जो कि लगभग 20 फरवरी तक चलता रहता है, जिनकी सुविधा के लिए नौतनवा, नेपाल, नकहा, सूरजकुंड, रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन पर कोई दिक्कत ना हो, जिनके लिए खिचड़ी मेला स्पेशल बस को शुरू किया गया है। यह बसें नकहा, सूरजकुंड, नौसर से श्रद्धालुओं को गोरखनाथ मंदिर तक लाएगी और ले जाएगी, जिससे कि श्रद्धालुओं को किसी तरह की कठिनाइयों का सामना ना करना पड़े। इस अवसर पर गोरखनाथ मंदिर के सचिव द्वारका तिवारी, परिवहन निगम के ARM PK तिवारी, मुख्य पुजारी योगी कमलनाथ, योगी सोमनाथ सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए नगर आयुक्त अविनाश सिंह ने कहा, सर्वारिष्ठ शांतिर्भवतु श्रीमन् महागराधिपते नमः। गुरु गोरक्षनाथाय नमः। सर्वे देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। ॐ सिद्ध बुद्धि सहिताय श्री संसारसारं भजमुन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारण्यं त्वं भवानी सहितं जल्द जल्द कहाँ गए वो? मेले के लिए पर्यटन बस का शुभारंभ, जैसा कि आपके संज्ञान में है, जो गोरखपुर का सर प्रमुख पर्व है, सबसे प्रमुख पर्व जो है वो मकर संक्रांति खिचड़ी मेले का पर्व है, और शहरों में अन्य जगहों पर धार्मिक स्थलों पर जो खिचड़ी का मेला कुछ दिनों मनाया जाता है, लेकिन गोरखपुर शहर में ये 1 दिसंबर से लेकर लगभग 20 फरवरी तक ये लगातार खिचड़ी का मेला चलता रहता है, जिसमें पूरे प्रदेश से ही नहीं वरन पूरे देश से बड़ी संख्या में श्रद्धालु भक्तजन और देश के बाहर से भी नेपाल, भूटान आदि जगहों से लोग श्रद्धालु भक्तजन यहाँ पर दर्शन करने के लिए आते हैं। और
और उनकी सुविधा के लिए जो नौतनवा से आ रहे हैं, नेपाल से आ रहे हैं, या फिर जो लोग अन्य जगहों से आ रहे हैं, तो नकहा पर जो सूरजकुंड पर उनको रेलवे स्टेशन पर बस स्टेशन पर कोई दिक्कत ना हो, उसके उद्देश्य से आज इन दो बसों को स्पेशली हम लोग खिचड़ी मेला स्पेशल के नाम से इसको हम लोग चलवा रहे हैं। और ये जो हमारी बसें हैं ये खास तौर से नकहा से और सूरजकुंड से जो श्रद्धालु भक्तजनों को यहाँ तक मंदिर तक उनके गंतव्य स्थान तक लेकर आएंगे और फिर उसको लेकर जो है उनको वहाँ पर जहाँ पर उनको छोड़ना होगा उनको वहाँ पर छोड़ेंगे। सर कितने टाइम तक चलेगा ये? अभी तो ये पूरी बसों को जब तक खिचड़ी का मेला चलता रहेगा हम लोग लगातार चलाते रहेंगे इसको। और ये भी देखने में आ रहा है कि जो खिचड़ी के मेले के बाद भी आज भी आप देख रहे हो कितनी बड़ी संख्या में श्रद्धालु भक्तजन यहाँ पर हैं। हम 25 इलेक्ट्रिक बस भी यहाँ पर चलवा रहे हैं और 25 इलेक्ट्रिक बस और शासन से अस्थायी तौर पर यहाँ पर आने वाले हैं। उद्देश्य यह है कि जो लाखों करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु भक्तजन पूरे देश से विदेश से यहाँ पर आते हैं उन्हें किसी भी प्रकार की दिक्कतों का सामना न करना पड़ेगा।